देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्रों के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही शुभ अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से बंगाली बहुल क्षेत्र में सरकारी स्कूल में बांग्ला भाषा पढ़ाई जाने की घोषणा से बीजेपी से जुड़े बंगाली समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। इस दौरान आपको बता दें कि वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी विश्व के महानतम राजनेताओं में से एक नेता थे जिनके लिए हमेशा राष्ट्रहित ही सर्वोपरि रहा। साथ ही वो अपनी दूरगामी सोच के लिए भी जाने जाते थे। विगत 70 से 75 वर्षों से ये हमारी मांग रही है कि जहाँ बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक एक अतिरिक्त विषय बांग्ला विषय लागू किया जाए, लेकिन ये विगत 70 साल बाद जाके आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम सभी एकत्र हुए हैं और हमारे बड़े खुशी का दिन है कि आज हमारे बांग्ला भाषा लागू किए गए हैं। लेकिन इस खुशी में जो हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे कैबिनेट मंत्री उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे दिनेशपुर की ओर से और हमारे पूरे बंगाली समाज की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाली समाज के लिए बहुत बड़ा दिन क्योंकि हमारे उस देश का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे देश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और हमारे यहाँ के विधायक जो शिक्षा मंत्री है बड़े भाई अरविंद पांडे जी के अथक प्रयास से हमारे बांग्ला भाषियों को जो प्राइमरी स्तर से बांग्ला भाषा पढ़ाया जाए इसका बहुत पुरानी मांग थी उसको आप लोगों ने पूरा किया है। पूरा बंग समाज की ओर से आपको हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली। नवविवाहिता मूल रूप से यूपी के शाहजहाँपुर की निवासी थी और सिडकुल क्षेत्र के एक कॉलोनी में पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया और साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तो हरिद्वार का यह पूरा मामला है जहाँ पर नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। हरिद्वार में स्थानीय युवकों की ओर से हरियाणा के यात्री को पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय युवकों और हरियाणा के यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दबंग युवकों ने यात्री को दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा। वहीं मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें कुछ लड़के एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मामले में सीओ सिटी शेखर सुयाल का कहना है कि मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली, हालांकि मारपीट की घटना पर पुलिस नियम अनुसार कार्रवाई करेगी। तो वीडियो आप ही देख सकते हैं किस तरह से यात्री के साथ युवकों द्वारा मारपीट की जा रही है। क्या बात हुई थी आपसे? बात हो रही, मैं जैसे खाना लेने गया था, मैं पैक करवा के गाड़ी साड़े आ रहा था, मैंने कहा भैया साड़ दे दो, ऐसे निकल पर निकल साड़ दे भैया रास्ता है तो जा दे दो मुझे, ये रात्रि में बता रहे हैं जो मैंने थाने से पता किया तो उनका कहना है कि किसी छोटी चीज़ को लेकर दो पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ और आपस में मारपीट ही हुई हो गई थी। तो जैसे पुलिस के संज्ञान में पुलिस ने वहाँ पर अपने वहाँ पर अप्रोच किया तो बाद में उन लोगों का कहना है कि नहीं हम आपस में मनमुटाव था अब हो गया हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन थाने को मेरे इस तरह से निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो और जो भी उन्होंने किया उसको अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेम हम उसमें आगे कार्रवाई करें। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां थारू राणा परिषद खटीमा के अध्यक्ष और पूर्व बीएसपी विधानसभा प्रत्याशी रमेश राणा ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काशीपुर जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं अब उन्होंने आप पार्टी से खटीमा विधानसभा सीट से टिकट के लिए प्रबल दावेदारी भी ठोक दी है। खास बात यह है कि इस सीट पर पहले से ही आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी एसएस कलेर चुनावी मैदान में जोर शोर से अपनी जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। आज मैंने आम आदमी पार्टी से दावेदारी की है
अभी विगत मैंने जो काशीपुर में मरे जो संयोजक केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज आम आदमी पार्टी से प्रभावित होकर के हम लोगों ने जो यहाँ पर काम किया है, घर घर जा कर के जो आम आदमी पार्टी की रीति नीति से क्षेत्र के लोगों को अवगत कराया, इससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए। जितनी भी हमारी आम आदमी पार्टी की जो गारंटी योजना माननीय केजरीवाल ने की है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं और आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए कह रहे हैं। लक्सा कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों पर एक महिला से अभद्रता करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि महिला का कहना है कि रात में कुछ पुलिसकर्मी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। वहीं महिला ने बताया कि पुलिसकर्मी रात में ही उसके पिताजी को गिरफ्तार कर अपने साथ पुलिस चौकी ले गए, जहां उसके पिताजी की बेरहमी से पिटाई की गई। वहीं इसी को लेकर सुल्तानपुर पुलिस की ओर से पीड़ित को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां महिला ने एसडीएम कोर्ट से अपने पिता का दोबारा मेडिकल कराए जाने की मांग की है। वाले आए, सात थे शायद, उनमें छह पुलिस वाले थे और एक दरोगा। तो आते ही उन्होंने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटा। हमारे यहाँ पे मेन दरवाज़ा नहीं है, मेन गेट ऐसे ही है अभी। तो वहाँ पे मेरा भाई पढ़ाई कर रहा था और उसको गाली देकर कहने लगे दरवाज़ा खोल। तो उसने दरवाज़ा खोला और उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। और फिर घर वालों ने रोका, मेरी मम्मी ने, मैंने, मेरी बहनों ने, तो हमको भी तपाई की, हमारे साथ मार पिटाई भी शुरू की और हमने उनको मना किया। हमारे मना करने के बाद वो माने नहीं और ज़बरदस्ती ले जाने लगे। भाई ने पूछा कि भाई मुझे कारण बताओ कि मुझे किस आप किस कारण से अपने साथ ले जा रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम तुम्हें नहीं बताएंगे, आप हमारे साथ थाने चलिए। 151 धारा के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो उसमें यहाँ पर आते ही उनका स्वास्थ्य अचानक ख़राब हो गया है और वो करा रहे हैं। और तो उनकी जो पुत्री है, उन्होंने यहाँ पर आकर ये कहा, बयान दिए हैं कि उन पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनके साथ मारपीट की और उनको पर अत्याचार किया है। ये उनका बयान है, उनका कहना है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन उन्होंने ये अपील करी है कि उनका दोबारा से मेडिकल परीक्षण किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया कि उन पर अत्याचार किए गए और महिला पुलिस ना ले जाकर उनके साथ भी कुछ अभद्रता की गई, इसकी पुष्टि होनी है अभी। तो इसके लिए इनको जिला चिकित्सालय हरिद्वार से इनका पुनः मेडिकल परीक्षण कराने के लिए इनको भेजा गया है और इसके बाद ही तथ्य की पुष्टि हो पाएगी। उनमें किया था उनको दाखिल, उनके बारे में कुछ असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने की और जो है याद मिली थी, मेरे संज्ञान में आया 151 बंद हुआ था। बाकी वो सब चीज़ें अंडर ऑब्जर्वेशन है, जाँच के दायरे में। लालकुआ के पास राजीव नगर निवासी युवक राजकुमार की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने लालकुआ रेलवे विभाग के सिग्नल कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सैकड़ों की तादाद में लोगों ने युवक के शव को हाथीखाना स्थित सिग्नल कक्ष के बाहर रखकर प्रदर्शन किया और मामले में मुआवजे की मांग की, जिसके बाद मौके पर वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान पहुंचे और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। पौड़ी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपसी फूट देखने को मिली। आपको बता दें कि 2022 में चुनाव में प्रबल दावेदार के रूप में नजर आ रहे राजकुमार पौड़ी के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया, साथ ही स्थानीय विधायक मुकेश कोहली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि विधायक की मौजूदगी में राजकुमार पौड़ी के समर्थन में नारे भी लगे। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में अचानक मौसम खराब होने पर जमकर बर्फबारी हुई। वहीं इस बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में भीषण ठंड पड़नी शुरू हो गई है। इसके अलावा धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य भी बाधित हो गए हैं। आपको बता दें कि अगर ये बर्फबारी का दौर इसी तरह से जारी रहा तो आने वाले कुछ दिनों में धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे सभी मजदूर भी वापस
लौट जाएंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ ही गई है, साथ ही साथ पुनर्निर्माण के कार्य भी इससे बाधित हो गए हैं। थराली में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक टैक्सी सड़क से नीचे गिर गई। वहीं गनीमत रही कि टैक्सी में कोई भी सवारी मौजूद नहीं थी और टैक्सी चालक ने खुद को टैक्सी से निकालकर बचा लिया। मामले में जानकारी देते हुए वहां के मौजूदा लोगों ने बताया कि इसी जगह पर कुछ समय पहले ही एक ट्रॉला वाहन भी नीचे गिर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी PWD ने यहाँ पर टूटे हुए पुस्ते को ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ इसी तरह की दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। पिछले 4-6 महीने से सड़क की ये कंडीशन है, यहाँ पे इसी कंडीशन में पहले पिछली बार साल भर पहले मेरा ट्रॉला भी गया था नीचे 0688, और आज ये नरेंद्र भाई के सामने 56 नंबर की गाड़ी आज उसी कंडीशन में नीचे गई है। विभाग को कितनी बार बताया गया है कि सर यहाँ पे इतनी बार जितने सड़कें ऐसी हो रखी है, ना मरम्मत है, ना पेच भरे हुए हैं, ना कुछ है। सरकार ने हमेशा नज़रअंदाज किया इस इलाके को भी, सड़क भी, और आए दिन विभाग को, एक्शन साहब को, अधिशासी बंदा को भी कितनी बार हमने बताया कि सर इस कंडीशन को ठीक कर दीजिएगा, लेकिन ना तो अधिशासी मेहता साहब आए, ना जेई साहब, ना यही साहब, और आज भी इस कंडीशन में ये सामने गाड़ी दिख रही है नीचे 56-63 नंबर इस गाड़ी का है जो यहाँ से गिरी नीचे को। अब एक टेम्पो खड़ा था यहाँ पर, और टेम्पो खड़ा था ऊपर से वो एक पत्थर लगा तो थोड़ा सा गाड़ी बाहर निकाली, अब वो रोड जो ऐसी थी कि गाड़ी ये है गाड़ी का, वो तो बच गया, हमारी जान बच गई, हम 2-3 ट्रैकर थे वो बेचारे भी चले गए। ये है गाड़ी भाई साहब, ये आप दिखाओ जो भी दिखाते हो, जी आपको पता नहीं था ऊपर से लैंडर था उसमें, थोड़ा अच्छी दिख रही थी, हम तो अपने हिसाब से गए, लेकिन पता चला कि पूरा लैंडर टूट गया। देखो ये लैंडर, पूरा लैंडर टूट गया, देखो आप, ये है लैंडर का हाल, ये है गाड़ी का हाल, ये क्या हाल है, क्या हो रहा है, ये BJP है, सरकार है, क्या करनी है यार, तुम मार दो मरवा दो, बच गए हम। मथुरा के थाना सदर बाजार में दो पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। वहीं इस कहासुनी के बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोगों में पथराव भी हुआ। वहीं लंबे समय तक दोनों पक्षों की ओर से थाना सदर बाजार क्षेत्र में जहर खाना मोहल्ले में पथराव होता रहा, और जब घर में मौजूद एक वृद्ध महिला ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों के लोगों ने घर के परिवार के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वाल्मीकि समाज के 10-15-20 घर हैं वहाँ कम से कम, वो आपस में लड़ रहे थे, हम लोग बाहर बैठे थे तो उन लोगों ने उनके आके आपस में लड़ रहे थे, वहाँ पे आके मेरी मम्मी से डंडा छीनने के बाद मेरी मम्मी डंडा दिया, मेरी मम्मी को मारने लगे, पापा को मारने लग गए, और पूरा पत्थरबाजी करी उन्होंने, चाकू मारा मेरे पापा के हाथ में और ईंटा पथराव करने लगे। हम लोग थाने गए तो पुलिस आई तो हम लोग भागे, उन्होंने बहुत ईंटा पत्थरबाजी चाकू और मेरी मम्मी का दांत तोड़ दिया और मेरे पापा के चाकू मारा है हाथ में और मेरा डंडा मारा है सर के ऊपर, मेरी बहन को मार। आने वाले चुनाव को देखते हुए BJP आजकल अपने पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है, और इसी कड़ी में BJP अब एटा की जनता को साधने में लगी है। इसी के चलते यहां जन विश्वास यात्रा निकाली गई, वहीं इस यात्रा में BJP के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, जन विश्वास यात्रा BJP की तरफ से हर जिले में निकाली जा रही है। सियासत की लड़ाई खत्म करने की जो कवायद होती है वो तब होती है जब मतपेटियाँ खोली जाती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में, मैं हूं आपके साथ आसिफ। देखते हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी हवा बह रही है, और सियासी हवा का क्लाइमेक्स तो दरअसल तब होता है जब मतपेटियां खोली जाती हैं। हाल ही सारे ये वो पिच है एटा की जिसको यादव का गढ़ कहा जाता है, उस यादव के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने चारों सीटों पर कब्जा करा है। देखना यह है कि 2022 के चुनाव में किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज रखा जाता है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करूंगा, ये एटा क्लब में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां से भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़े चेहरे जन संबोधित करेंगे और शहर में अपनी विजय यात्रा निकालेंगे। मैं कैमरामैन दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ बड़े चेहरों के होर्डिंग लगे हुए हैं यहां पर, और देखेंगे कि ये विजय यात्रा निकालेंगे और जन संबोधित करेंगे, और क्या रणनीतियाँ रहेंगी, क्या विलम्ब रहेंगे आने वाले चुनाव में नज़दीकियों में। जिस तरीके समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, बहुजन समाज, तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं,
मेरे साथ कुछ सहयोगी बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा मैं। आई क्या नाम है? सत्यदेव प्रधान भट्ट भाई। क्या लगता है 2022 में बीजेपी सरकार? अखिलेश भैया क्यों नहीं? नहीं। वजह? वजह क्या, गुंडागर्दी, गुंडा राज। 4.5 साल में क्या काम पूरा? सारा कुछ किया है बीजेपी सरकार ने, आवास दिए हैं, घर घर को खाने को दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। क्या नाम है आपका? किशन पाल। क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन? योगी। भैया क्यों नहीं? भैया वही क्राइम बढ़ जाएगा, भैंस पाए सुरक्षित नहीं रहेंगे, प्लाट सुरक्षित नहीं रहेंगे। भैंस पाए की आपने बहुत अच्छी बात खोली, एक सवाल आपके सामने रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है पग पग पर गौशाले बनाएंगे, लेकिन बाहर आपने स्थिति देखी है? गौशाले बनाएंगे आप एक ही बार? 4.5 साल पूरे हो गए, सब काम एक बार में नहीं होते, कितने काम किए हैं? सरकार तो कहती है सारे वादे पूरे किए। नहीं, बार में नहीं होती। हाँ नहीं, सारे वादे पूरे हो रहे हैं। पग पग पर गौशाले कहाँ पर हैं? नहीं बन रहे हैं गौशाले, 4.5 साल में अभी तक बन रहे हैं? नहीं अभी बने हुए हैं, बन भी रहे हैं। रोड पे कैसे? रोड पे तो ये छोड़ देते हैं मंडी के लिए, इसलिए रोड पे निकल आती गाय। क्या लगता है बीजेपी शासन पूर्ण भवन से आएगी और 2022 में दोबारा पुनः योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिलेश भैया आ गए तो? अखिलेश भैया आ गए, गुंडागर्दी रही है पिछले 5 साल से। माना जाता है कि बीजेपी में पुलिस की भी गुंडागर्दी कम नहीं रही है? नहीं नहीं, वो उन्होंने अपराध के खिलाफ जो है पुलिस बहुत सक्रिय है और गुंडों माफियाओं को उन्होंने जेल में अंदर डाला है और उनकी खैर नहीं। उनको विजय रथ का उद्देश्य क्या है एटा में? फिर पुनः दोबारा 2022 में क्या नाम होगी, आदित्यनाथ की सरकार बनाना। सेना मेडल से सम्मानित शहीद बबलू सिंह के बेटे के जन्मदिन पर मथुरा पुलिस जन्मदिन मनाने उनके घर पहुंची। आपको बता दें कि मथुरा पुलिस सायरन के साथ उनके घर पहुंची, जिसके बाद सायरन की आवाज़ सुनकर सभी लोग घरों से बाहर निकल आए, जिसके बाद मथुरा पुलिस ने शहीद के बेटे का जन्मदिन मनाया। इस दौरान परिवार के लोग सभी को धन्यवाद देते नजर आए। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से पैर पसारने लगा है। ओमिक्रॉन के अब तक 17 राज्यों में फैल चुका है और देश में अब तक 431 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में 110 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली है जहां अब तक 80 मामले मिल चुके हैं। गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरल में 38, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 38, राजस्थान में 43, मध्य प्रदेश में 8, उड़ीसा में 4, हरियाणा में 4, पश्चिम बंगाल में 3, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1, उत्तराखंड में 1 और हिमाचल में 1 मामला मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तय कार्यक्रम से करीब 1 घंटे देरी से कासगंज पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा, जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंचे। अमित शाह ने भारत माता के जयकारे से संबोधन भी शुरू अपना किया। कल्याण सिंह जी थे जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की बात करी, पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों की बात करी, पहली बार पिछड़ा समाज को अपना अधिकार देने का काम महान कल्याण सिंह जी ने किया था। मित्रों, उत्तर प्रदेश में ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते, ये जातिवादी पार्टियां है, ये परिवारवादी पार्टियां है। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों,